हमारे जीवन में दुख तो बहुत आता है और ये दुख सबके जीवन में आता है, मगर हम अपनी जिंदगी में दुख से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी जो आपके दुखों को दूर कर सकता है। दुख की घड़ी में क्या करें। सबल नाम का एक व्यक्ति अपने जीवन से बड़ा निराश था। उसकी निराशा का कारण ये था कि वह अभी तक कुछ नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे कि वह सब तो कामयाब हो गए और तू यही का यही है। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग से उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, और उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती कि वह अभी कुछ नहीं कर रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छुपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसको लगता कि वह धरती पर बोझ है और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है। वह कुछ कर ही नहीं सकता तो वह जी कर क्या करेगा, उसे मर जाना चाहिए। वह अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने नगर में गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा, दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में समझाता है और बताता है, यह आपको सही से जीने का तरीका देता है। आप चाहे तो दुख रूपी गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं या दुख में डूब कर बैठ कर रो सकते हैं। सबल भी यह बातें सुन रहा था। उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखा कर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला, मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। गुरु ने कहा, क्या दुख है तुम्हें। सबल ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बताई और कहा, क्या मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान है। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। ये कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा, क्या मेरा दुख असली नहीं है, क्या ये दुख जो मैं झेल रहा हूँ दुख नहीं है। कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता, घर वाले नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे। अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। वह 2 वर्ष के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब सबल के आसपास काफी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह बहुत खुश था। अपनी जिंदगी में पड़ोस के कुछ मित्रों ने उसे समझाया कि जब वह बड़ा व्यापारी बनकर इतना सुखी रह सकता है तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओ तो कितना सुख होगा तुम्हारे पास, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैल जाएगा, स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। ये बात सबल के मन में बैठ गई और अब वह और अधिक प्रयास करने लगा। लेकिन ये सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज्यादा समय इसमें वह बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे कार्य किए जो उचित नहीं थी। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार लिया, अपने मित्रों से लिया, ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उसे जैसा समझाते गए वह वैसा करता गया। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वह हमेशा कुछ उधेड़बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि असली दुख हो तो मेरे पास आना, मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो नहीं पाता। सबल गुरु को अपनी सारी बात बताई। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मिले थे
तब भी तुम किसी दुख में थे, उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता, अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता, कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी निराशा आए, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी यह मानकर कि जो कार्य मैं कर रहा हूं, मैं इसमें सफल होकर ही रहूंगा, कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल व्यक्ति को ही महत्व देते हैं, बाकी सब चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वो बोझ ही कहलाता है। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, जब तुम्हारी जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा था। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो, यह मेरे किसी काम का नहीं। सबल ने ऐसा ही किया और वहां से चला गया। धीरे धीरे सबल को व्यापार में घाटा होने लगा, उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी, और एक समय ऐसा आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया, पर वह निश्चिंत था क्योंकि कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही उसे दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले मित्रों ने ही अपना उद्धार धन उससे मांगना शुरू किया, ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके पिता उसे उसकी गलतियों को गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई, उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा, मेरे पास ये थोड़ी सी ही संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें ये दे दूं तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा? हमारा आखिरी सहारा यही संपत्ति है। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था, उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे की वजह से वह टूट गया था। लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह मरने के लिए एक नदी की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वह उनके पास आए और वह उसके दुख का समाधान करेंगे। सबल गुरु के पास गया और उसने गुरु को सारी बात बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरुदेव, गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने कहा, असली दुख क्या होता है गुरुदेव? क्या अब जो मेरे जीवन में घट रहा है वह दुख नहीं है? गुरु ने कहा, पहले ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है। सबल ने कहा, जो लोग तुम्हारी तरक्की के साथ, तुम्हारी सफलता के साथ, तुम्हारे साथ साथ आए हैं, वह तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वह तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे हो, और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए, कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे, और वह घड़ा सबक को दे दिया और कहा, जब असली दुख हो तभी आना। सबल ने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और वह घड़ा लेकर चला गया। उस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वह छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था, और ईमानदारी से काम करते करते वह एक बड़ा व्यापारी भी बन गया। हालांकि इसमें उसे अब कुछ समय लगा, लेकिन अब वह खुश था, उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे हैं, कितना ही अच्छा काम करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, लोगों की मदद करते हो, जीवन में दुख सबके आता है। तो सबल के जीवन में भी दुख आया, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वह उन्हीं शमशान ले गया, वहां पर उनकी अंतिम क्रिया की गई। सबल ने उन्हें चिता में जलते हुए देखा, उसका मन बेचैन हो गया, उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए।
वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा, जिसके लिए वह हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस पड़ी थी। उसकी देखरेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले चले गए थे। उसके पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यही रखा था। एक दिन पहले तक भी वह अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे, पर आज नहीं। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन है, कुछ डर है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। इसलिए वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने सबल को देखते ही कहा, क्या कोई दुख है? सबल ने कहा, जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक है, सब सुख है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन सबके प्रियजनों को मर जाना है। जीवित तो यहाँ कोई ना रहा और ना कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे। हो सकता है कल, या कहो आज, या कहो तो अभी तुम मर सकते हो। सबल ने कहा, गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा, पर अभी तो मैं जवान हूँ। गुरु ने कहा, इस प्यारे से ब्रह्म में तो सब जीते हैं कि मृत्यु बूढ़ों को आती है, जबकि उनके सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु के मुख से यह बातें सुनकर सबल वहां से चुपचाप चला गया, पर उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वह अपने बारे में ही सोचता रहता कि वह क्या कर रहा है, वह क्या है, क्यों है, कैसे हैं, हम क्या हैं, हम करने क्या आए हैं, क्या बस चीजों का उपभोग करना है और मर जाना है। उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वह वापस गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बताई। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, आज पहली बार तुम्हारी जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है, कि हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कौन हैं हम और हमें क्या करना है। सबल ने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सब अपनी जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं? सबल ने कहा, गुरुदेव सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम परिवार, मित्र शत्रु, पद प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यही छूट गया। गुरु ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में जिसे हमें इकट्ठा करना है उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। सभी चीजों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही नहीं। जिसे हमें इकट्ठा करना है वह है हम खुद। हम इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है, ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सके और अपने आप को पहचान सके। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में, और ऐसी ही हजारों लाखों छांव में, वासनाओं में हम बटे पड़े हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती, हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है। इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है या इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सकें। वास्तव में लोग जिंदगी भर जिन्हें दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वह दुख कहते हैं वह दुख है ही नहीं। इसलिए यहाँ किसी को कभी उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। वह बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वह पहली समस्या में रो पड़ते थे, वैसे ही वह दूसरी समस्या में रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक ही समाधान नजर आता है, वह है मृत्यु, पर वह भी कोई समाधान नहीं है। इसलिए इन सब का अगर परम समाधान चाहिए तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, उसे एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ, मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। सबल ने कहा, तो क्या गुरुदेव,
हमें ये संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्या हमें यहाँ किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए। गुरु ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासना ऐसी ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के और कुछ खोने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो सब नियंत्रण में रहता है, तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती है। सबल ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया है, आपका बहुत धन्यवाद, अब मैं अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर यह बेकार की चीजों में बट कर रह गई है, व्यर्थ की चीजों में लगी रहती है। यह ऐसे ही है जैसे एक शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथ में दे दी गई हो। जैसे आपने कभी देखा होगा, बच्चे कभी कभी बाइक पर या कार में बैठकर उसे चलाने का नाटक करते हैं क्योंकि उन्हें इतना ही पता है। ऐसे ही हम शरीर को चला रहे हैं, इसकी सही शक्ति का इस्तेमाल तो हम कभी कर ही नहीं पाते। खुद को एकत्रित करने का मतलब यह नहीं होता कि हम संसार छोड़ दें, सन्यासी हो जाएं, या झोला उठाकर कहीं चले जाएं, या अपने लिए या अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति ना इकट्ठा करें। जैसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वह बाइक या कार को चलाकर लंबी दूरी की यात्रा आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो बाइक या कार वही खड़ी रहेगी और हमें यह वहम रहेगा, भ्रम रहेगा कि हम कहीं जा रहे हैं। दोस्तों, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि दुख की घड़ी में क्या करें का यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया।